नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। भाजपा सांसद ने संसद भवन में अपशब्दों का प्रयोग किया। जब इसे लेकर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा सांसद हैं, अपशब्दों का प्रयोग तो करेंगे ही, फिर चाहे वो संसद भवन हो या फिर बाहर हो। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि आपका आचरण तय करेगा कि आप किस तरफ बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी सांसद ने जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। और सीबीआई ने जो समन जारी किया उसे लेकर भी तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर फटकार लगाई और कहा कि उनका तो काम ही है, इससे पहले भी दो बार केस खुल चुका है, बंद हो चुका है, ये तीसरी बार हुआ है, कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम। अभी कुछ कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि आपका व्यवहार और आचरण तय करेगा कि आप किस तरफ बैठेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने बात कहे हुए हमको नहीं लगता 2-3 दिन हुए हैं, और अभी आप देखिए कि मर्यादा पार उन लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी ना कोई कार्रवाई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रहा, जो देश को मेडल जिताती है, नाम जो है ऊंचा करती है, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं होगी। तो संसद में अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है? और इससे हम लोग जो है दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार पर वो चिड़ी लगातार बयान दे रहे हैं तेजस्वी जी, और कह रहे हैं कि चोरी कल पटना पहुंचे, कल लालू जी से मुलाकात, आप लोग से मुलाकात हुई, ये कितना महत्वपूर्ण माना जाए इंडिया के सामने? नहीं, जब भी आते हैं लोग मिलते रहते हैं, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं तो बातचीत होती रहती है, और गठबंधन में हम लोग जो है शुरू से रहे हैं और पिताजी से पुराना रिश्ता रहा है उनका, तो आते जाते रहते तो मुलाकात होती रहती है। क्लियर हो जाएगी सर, सीट शेयरिंग पर कहीं कोई क्या चीज जो बयान बाजी के माध्यम से आपको दिख रहा है? नहीं नहीं, अब कोई उपाय है नहीं ना, काम तो किया नहीं तो गाली ना देगा। सीट शेयरिंग पर सर कहेंगे? सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। इतने बड़े कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे आप बैठने लगे हैं, 3-3 बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीज़ें जो है स्मूथ चल रहा है, हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर। सीट शेयरिंग होगा तो वो लोग जो लोग गए हैं उधर उन लोगों का क्या होगा, कैसे करेंगे? वो तो एक ही परिवार के एक ही पार्टी को जो अलग अलग कर दिया गया, अब वही लोग क्लेम करें तो दिक्कत तो वहां नजर आ रही है, यहाँ कहाँ नजर आ रहा? तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो सीबीआई ने समन जारी किया ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और इसके बाद भी कार्रवाई होती रहेगी। दो बार पहले भी केस बंद हो चुका है और एक बार फिर से तीसरी बार अब केस को चालू किया गया है। लेकिन अब बीजेपी सांसद ने संसद भवन में जो अपशब्द का प्रयोग किया उसे लेकर उन्होंने बीजेपी के ऊपर कड़ा निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी खुद के ऊपर कार्रवाई नहीं करती, चाहे फिर वो अपशब्द का प्रयोग संसद भवन में ही क्यों ना करे। और एक बार फिर से उन्होंने महिला जो है पहलवान उसे मुद्दा को एक बार फिर से उठाया, कहा वहां पर भी बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।